अदरवाइज क्या कहना चाहेंगे सिर्फ मनी आज? सिर्फ मनी का आज पहला प्रीव्यू था, हमने आज इम्पॉसिबल प्रीव्यू देखा, बहुत ही अच्छी फिल्म लगी मुझे एज अ स्टोरी वाइज, और सत्यवर नायक जी की कहानी है, एज अ प्रोड्यूसर भी वही है, तो मैं उनको कंग्रेट करूँगा इस फिल्म के लिए कि फिल्म ये अच्छे से अच्छे पैमाने पर रिलीज़ हो और मुकाम मिले इसको कामयाबी का। फिल्म में काफ़ी सारे गेस्ट हमारे आए हैं अभी, जैसे कि राजकुमार कनौजिया, सुफियान कपाड़िया, अश्विन ठक्कर, राहिल भाई, तो सभी को लाइक मैं बोलूँगा कि फिल्म को सपोर्ट करें, आगे बढ़ावा दें इसको, और साथ ही साथ फिर से कहूँगा सत्यवान नायक जी बेस्ट ऑफ लक, एंड स्टोरी बहुत अच्छी है, बस कहीं ना कहीं थोड़ा लूज पॉइंट लग रहा है, तो वो ऑनेस्टली कहूँगा मैं, वो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ डायरेक्टर होने के नाते फिल्म के बारे में सिर्फ कहूँगा थोड़ा सा बस कमी जो डायरेक्शन में लग रही है मुझे एज अ रिव्यू, तो फिल्म के बारे में यही है बस मेरा कहना। आप खुद एक डायरेक्टर हैं, इस तरह की फिल्में कितना पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? हाँ, ये बात सच है कि एक फिल्म डायरेक्टर होने के नाते जो ये पब्लिक को कितना पसंद आना चाहिए, ये फिल्म पूरी एक फिल्म इंडस्ट्री की कहानी के ऊपर है, जैसे कि एक नए एक छोटे से कस्बे से एक हीरोइन बनने के लिए लड़की आ जाती है मुंबई शहर में, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है किसी को एक अच्छे मुकाम पर पहुँचना। मैं अपने एक फ्रेंड त्रिशिला भगत को इनवाइट करना चाहूँगा मेरे साथ, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगी, एक लड़की होने के नाते कितना ज़्यादा स्ट्रगल है हीरोइन बनना और एक अच्छा काम पाना विदाउट कॉम्प्रोमाइज़, जो कि लोग सोने की बात करते हैं अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में, उससे थोड़ा सा बचे, और बट यूथ को अवेयर करने के लिए फिल्म है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा मुद्दा है, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप लोग इस फिल्म को देखें आने के बाद, सिर्फ मनी यानी कि सिर्फ मनी नहीं, यहाँ पर स्ट्रगल भी है, बहुत कुछ है। और अभी क्या क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है आपके, अगर आपके प्रोजेक्ट की बात करें तो कुछ चल रहा है? मेरे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो लास्ट अभी मेरी परसों मेरी एक कोविड से रिलेटेड एक एमएक्स प्लेयर पे रिलीज़ हुआ है तू आ फिर, एक बड़ी इमोशनली कहानी है वो एमएक्स प्लेयर पे, तू आ फिर के नाम से रिलीज़ हुआ है, कोविड की स्टोरी, एंड और भी मैं डिज्नी हॉट स्टार्स एंड एमएक्स प्लेयर के लिए अभी वर्क कर रहा हूँ मैं, और बैक टू बैक अभी बी फॉर यू म्यूजिक, शमारो अल्ट्रा एंड जी के लिए काम कर ही रहा था, तो साथ ही साथ एम एक्स के लिए और डिज्नी हॉट स्टार के लिए भी स्टार्ट कर रहा हूँ जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम त्रिशला भगत है और मैं एक्ट्रेस हूँ बाय प्रोफेशन, एक्ट्रेस एंड मॉडल, और चूँकि सत्यवान नायक जी ने इनवाइट किया था ये फिल्म देखने के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि जैसा है ना कि ये एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जो किसी शहर से आती हैं एक्ट्रेस बनने, तो स्टोरी उसी बेस्ड है। कितना इस तरह की फिल्मों पे कुछ और कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टोरी वाइज तो ये बहुत अच्छी है, मगर जिस जो इस ऐसी स्टोरी पे ये कहना चाहूँगी कि हाँ, ये अवेयर करता है हमारे यूथ को जो कि अपने घर को, अपने गांव को, शहर को छोड़ के आ जाते हैं, एक्टर या एक्ट्रेस कोई बोल देता है कि अरे यार तुम हीरो लग रहे हो या तुम हीरोइन लग रहे हो, और फिर वो यहाँ आके उसको जो असली चेहरा होता है इंडस्ट्री का वो देखना पड़ता है, कई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जिसमें कितना रियल लाइफ से टच कर रही है ये फिल्म, आप खुद एक आर्टिस्ट हैं? मेरे ख्याल से 70%। और आपका क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है कुछ अपने बारे में? रिसेंटली मैंने मेरी जो लास्ट प्रोजेक्ट थी वो मैंने बालशिव की है, अभी मेरी एक वेब सीरीज और एक मूवी है उसकी बात चल रही है। और कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को इस फिल्म के बारे में? इस फिल्म के बारे में ये कहना चाहूँगी कि यूथ प्लीज़ इसे देखें, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें, जैसा कि अजहर जी ने कहा था, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और इंसान भी बहुत अच्छे हैं, कि क्या क्या चैलेंजेस यहाँ आके फेस करना पड़ते हैं, बहुत सारे फेक प्रोमिसज़ होते हैं, बहुत कॉम्प्रो या कंडीशंस होते हैं उनको फेस, एक होता है ना कि एक कहावत है कि राइट अपॉर्चुनिटी एक बार दरवाज़ा खटखटाती है, मगर मिस अपॉर्चुनिटी बार बार दरवाज़ा खटखटाती है, तो सक्सेस वही होता है जो राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है। आपके सामने कोई ऐसा ऑफर है जो अभी आप बार बार कॉम्प्रो का जिक्र कर रही हैं इस तरह? जी ऑब्वियसली मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस की है, बट टचवुड मुझे ऑडिशन से ही काम मिला है, तो मैंने इस कोई कंडीशन पर काम नहीं किया।
ऑफ कैमरा भी बताए थे आप, फैमिली बैकग्राउंड आपका मिलिट्री से, तो इस तरह के जब आपके पास में ऑफर आए तो आपने कोई एक्शन लेने की कभी कुछ कोशिश की या कुछ भी ऐसा एक्शन इस तरह के लोगों से बचें? फिर अगर आप देखिए कैसा है ना कि इंडस्ट्री की एक बहुत अच्छी बात है, ये फोर्स नहीं करती अदर प्रोफेशन में, हर गंदगी हर जगह है, हर प्रोफेशन में है, ठीक है, क्योंकि ये खुल के है तो सबको पता चल जाता है। मुझे मालूम है, मैं बोलना टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, मेरे फादर रिटायर आर्मी ऑफिसर है, बट कोई प्रोफेशन ऐसा छूटा नहीं, यहाँ पे खुल के बोलते हैं। और ये चीज़ है कि एक्सेप्ट करना ना करना ये हमारे हाथों में, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं करता। लेकिन गलत चीज़ के लिए स्टैंड लेना भी तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपने कभी सोचा या कदम बढ़ाया या फिर पीछे लिया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई कदम और नहीं, क्योंकि मैंने मुझे बहुत स्ट्रांगली किसी ने फोर्स नहीं किया, नो मीन्स नो। और ये जो कंप्लेंट्स करती हैं, मुझे कहीं तक लगता है कि पहले वो सहमत हो जाती हैं, उसके बाद ऐसी चीज़ें करती हैं, तो मुझे लगता है कि आप सहमत ही मत हो ना, कोई ज़बरदस्ती तो आपके साथ यहाँ कर नहीं रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, वेलकम सर। सिर्फ मनी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिव्यू देंगे आप इस फिल्म को? अभी आप देख के आ रहे हैं, इस तरह की फिल्मों से समाज में क्या मैसेज जाएगा, मैं कुछ बता दिया? बहुत अच्छी फिल्म है, बड़ा अच्छा सबने काम किया है, बड़ी अच्छी मेहनत है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, ओमकार फिल्म की जो पूरी ये जो प्रोडक्शन हाउस है, बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये सिर्फ मनी, कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी है, हो सकता है एक पहलू है बॉलीवुड का, जैसे हर इंडस्ट्री में हर पहलू होते हैं हर चीज़ को, तो इन्होंने एक पहलू को उठा करके, वो स्टोरी को उठा करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, फिल्म अच्छी है। और सारी हमारी शुभकामनाएं, हमारी फैमिली की शुभकामनाएं पूरी टीम के साथ। आप क्या कहेंगे सर? जैसा कि टाइटल है सिर्फ मनी, वो अपने आप में दर्शाता है कि फिल्म किस संदर्भ में होगी। और इसके निर्देशक सत्यवान, उस सत्यवान हमेशा सत्यता आपके सामने लेकर के आएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वही होगा फिल्म में। हालांकि अभी इंटरवल हुआ है, इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट है जहां सिर्फ मनी टाइटल ख़त्म होता है, और वही दे करके मैं बाहर निकला हूँ और इस आड़ में हूँ, इस फिराक में हूँ कि अभी कुछ समोसा वमोसा मिल जाए और खाऊं और अच्छा बोलूं आपको, तबीयत हरी भरी। कुछ यूनिक नहीं लग रहा है नाम सिर्फ मनी? अरे तो मनी का खेल दिखाया क्या कुछ? ऑफकोर्स यूनिक है टाइटल, मैंने जैसे कि पहले कहा, टाइटल से ही पता चलता है कि कुछ ना कुछ इसमें ऐसा कुछ होगा यूनिक। और चूँकि इसका जो बैकग्राउंड है वो फिल्मी बैकग्राउंड है, तो फिल्म को लेकर के बहुत कुछ ऐसा मसाला मिल जाता है जो इस टाइटल पर सटीक उतरे। आर्टिस्टों की अगर बात करें तो सही तरह की कास्टिंग हुई है इसमें, कैरेक्टर वाइज या लीड जो भी आप देखे पुराने आर्टिस्ट हैं तो? देखो मेरा तो एक ही मानना है, अगर कंटेंट आपका हीरो है, कंटेंट स्ट्रांग है, तो परफॉर्म फिर सेकेंडरी हो जाते परफॉर्मेंस। तो इस लिहाज से मैं कास्टिंग पर ना बोलूँ तो अच्छा है, बल्कि लेकिन हाँ ये है, अच्छे परफॉर्मर होते तो चार चांद लग जाता है किसी भी। तो फिल्म के शूटिंग जहाँ जाऊँ ये आपको? नहीं मुझे कोई इल्म नहीं है, मैं एज अ गेस्ट आया हूँ देखने। कैसी लगी देख के? मतलब इंटरवल तक तो अच्छी है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत। इंट्रोडक्शन? ओके, हाय, माय नेम इज हर्मिशा मिस्त्री, एंड इन दिस मूवी आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ खुशबू व्हिच इज अ पैरेलल लीड। तो किस तरह कैरेक्टर है अगर आपका, खुशबू का किस तरह कैरेक्टर है, कुछ ब्रीफ करेंगी? जी, खुशबू का कैरेक्टर ऐसा है कि वो बहुत प्यार में रहती है और उसको फिर धोखा मिलता है, फिर वो शराब नशे में लग जाती है, तो वैसे उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है और इसकी वजह से वो सुसाइड कमिट कर लेती है। आज प्रीमियर चल रहा है एक तरह से फिल्म का, तो कितनी उम्मीदें हैं आपको इस फिल्म से? क्योंकि काफ़ी बहुत, बिकॉज आई कैन सी देयर आर मेनी मॉडल्स ओवर हियर एंड वी कैन रिलेट इट, क्योंकि ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर है, बॉलीवुड के ऊपर, एंड ऐसे बहुत सारे सीन्स एज एन एक्टर ऑब्वियसली फेस किया हुआ है। सो बहुत उम्मीद है ये फिल्म से डेफिनेटली जो आउटकम आया। अभी आपने बोला फेस किया हुआ है, किस तरह का फेस किया हुआ, कुछ शेयर करेंगे? इट्स लाइक पैसे दो तो तुम्हें ये मिल जाएगा काम, इतने पैसे से ये काम मिल जाएगा, तो स्टार्टिंग में हर कोई फेस करता है जब तक नॉलेज पूरी नहीं होती। फिल्म ऑडियंस को किस तरह से कनेक्ट करेगी, इसमें कुछ ऐसा है कि जो ऑब्वियसली जो न्यू कमर्स है, जो फ्रेशर्स है, उनको सीखने मिलेगा कि ये सबसे बचना है तुम्हें स्पेशली।
तो कुछ सिर्फ मनी कुछ यूनिक टाइटल नहीं है। बहुत अच्छा टाइटल है इनफैक्ट सिर्फ मनी। इससे ना क्यूरियोसिटी आएगी कि मतलब क्या है ऐसा जो पैसों के बारे में, ऐसा क्या रहेगा फुल फिल्म में। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहेंगे ऑन लोकेशन शूट पे कि किस तरह की केमिस्ट्री थी। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज वेरी वेरी फ्रेंडली, बहुत सपोर्टिव फ्रेंडली नेचर। एक आर्टिस्ट को वही चाहिए कि सेट पे सब लोग फ्रेंडली रहे और सब कुछ, और बहुत मजा आता शूट करने में। ऐसा लगा ही नहीं कि सारे न्यू कमर्स है कुछ वैसा है, बहुत अच्छा फ्रेंडली। वी राइट नाउ ऑल्सो वॉन्ट कि फिर से जाके शूट करें, हम सबको वही बोल रहे फिर से लेके जाओ शूट के लिए। और कुछ चल रहा है इसके अलावा भी अगर कुछ है आपका प्रोजेक्ट है तो आप हम। यस यस, सो करंटली अभी मेरा बॉलीवुड फिल्म चल रहा है विद गुरु रंधावा एंड सई मांजरेकर टी सीरीज का कुछ खट्टा हो जाए, एंड उसमें मैं प्ले कर रही हूँ सई की यंग सिस्टर। ओके थैंक यू सो मच, सारी मेहनत रंग लेके आई है और सब लोग फिल्म देख रहे हैं सिर्फ मनी, तो कैसा फील हो रहा सबसे पहले तो? मुझे आज अच्छा लगा, अब साथ में सभी लोग मेरे प्रियो देखने के लिए आ रहे थे, सब लोग आ गए, उन्हें सबने अच्छा बोल दिया कि बहुत फिल्म अच्छी बनी है। ये फिल्म मैंने ही लिखा है और प्रोड्यूसर मैं हूँ, और ये बहुत तकलीफ पड़ा मुझे करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी बन गई। अभी लोग बोल रहे, मैंने बोल रहा हूँ लोग बोल रहे, इसके लिए मुझे अच्छा लगा। ये टाइटल बड़ा यूनिक है, सिर्फ मनी ही इस फिल्म का टाइटल क्यों रखा, रीज़न इसका? सिर्फ मनी बोला, ये पिक्चर में हीरोइन बनने आती है लेकिन लास्ट में क्या होता है हीरोइन नहीं बन पाती है, तो बाद में उसको डांस बार में जाके पैसा कमाना पड़ता है, पैसे के लिए तो सब कुछ होता है, इसका माँ का पैसा बर्बाद होता है, घर अपना गिरवी रखती है, तो पैसा तो कुछ तो चाहिए ना, इसके लिए सिर्फ मनी वही नाम लिखा है मैंने। और इसमें अगर आर्टिस्टों की बात करें तो किस तरह से चयन किया गया इसमें आर्टिस्टों का कैरेक्टर वाइज, के इसके बारे में कुछ बताइए और शूटिंग के बारे में बताइए, कितनी दिक्कतें आई अभी रिलीजिंग किस इस शूटिंग के बारे में? मुझे मैंने ये बहुत तकलीफ में शूट किया, गोवा में किया, बॉम्बे में किया, अच्छी तरफ से, लेकिन अच्छा मेरे को सबने सपोर्ट अच्छा किया, लाइट वाले ने, कैमरा वाले, सब आर्टिस्ट लोगों ने, डायरेक्टर ने, सब ने बहुत अच्छा तरह से सपोर्ट किया मुझे, और एक ऐसी एक हमारी फैमिली जैसी सब कलाकार अच्छे थे, किसी ने मुझे तकलीफ नहीं दिया, बहुत अच्छी तरफ से मेरा फिल्म अच्छी तरह बन गया। अब इसको रिलीज ऑल इंडिया लेवल पे करेंगे और कितनी उम्मीदें हैं कुछ इसके बारे में बताइए। ये ऑल इंडिया लेवल में करूँगा मैं। ये कब तक दर्शकों के बीच में आएगी? ये बीच में बोला तो कम से कम फरवरी तक फिल्म रिलीज में आएगी। अभी तो फिल्म फेस्टिवल में मैं प्रीव कर रहा हूँ, तो 21 नवंबर। ये बताइए सर कि इस फिल्म को ऐसा दर्शक मतलब क्यों देखे, ऐसी क्या खास वजह है जो दर्शक आपकी फिल्म को देखें, कुछ अपील करेंगे दर्शकों को, ऐसा क्या टच करेगा पब्लिक को? ये सब मेरे दोस्त है, सभी लोग दोस्ती है कलाकार, उन्होंने मैंने उसको बोल दिया मेरी फिल्म बहुत कैसी है वो देखने के लिए आ जाओ, क्या मैंने लिखा है एक सब्जेक्ट, मैंने पूरा 5 साल में देख रहा था बॉम्बे में क्या हो रहा है, इसके लिए मैं ये एक सब्जेक्ट निकाला। मेरे दोस्त ने अभी सबने अच्छा बोल दिया, अच्छा काम किया लोगों, अच्छा एक्टिंग किया सबने, अच्छा एक्टिंग किया। अभी तो आपके बारे में आप है, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो स्टोरी अभी पता चलेगा कैसी होगी। ओके थैंक यू सो मच जी। बोलिए, मेरा नाम पुनीत सिंह राजपूत है और मूवी में मेरा कैरेक्टर शाह नवाज़ है। मूवी बहुत ही सही है, अच्छा लगा मूवी करके। बाकी आप बताइए अभी। सबसे पहले नमस्कार जी सबको, मेरा नाम है अभिषेक अभी शर्मा और मेरा फिल्म में कैरेक्टर एके राहुल का असिस्टेंट प्ले कर रहा हूँ, और अभी मूवी का इंटरवल तक देखा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फिनॉमिनल एक्सपीरियंस। जीतू जी ने कमाल की डायरेक्शन किया और सत्यवान जी ने इतनी अच्छी फिल्म प्रोड्यूस की है, सो अच्छा लगा। किस तरह का कैरेक्टर है? अगर आप कैरेक्टर मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने कॉमेडी मिक्सचर करने की कोशिश की है, और ठीक है कॉमेडी बेसिकली कॉमेडी है मेरा, एक फ्रॉड टाइप का, ये फ्रॉड है भाई, गर्लफ्रेंड को लूट रहा हूँ मैं। सिर्फ मनी बड़ा यूनिक टाइटल है, ऐसा क्या कुछ पूरी फिल्म इससे रिलेटेड है? मूवी में वही है पैसे के, मतलब मनी की ना एक्चुअली इम्पोर्टेंस दिखाई गई है कि आजकल की दुनिया में मतलब मनी कितनी इम्पोर्टेंस दिखाई जा रही है, हर चीज़ कुछ भी कर लो पैसे के लिए क्या है, तो वो दिखाई दे रहा है।
ऑडियंस को ऐसा क्या इसमें खास है कि जो ऑडियंस को टच करेगा, ऑडियंस थिएटर तक आएगी कुछ है? ये देखिए, यहाँ पे मुंबई एक ऐसा शहर है, बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, आउटर एरिया वाले बहुत लोग गांव से आते हैं यहाँ पर, ड्रीम लेके, सपना लेके, भाई मूवी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये उस पर बेस ही है पूरा मूवी, उसके बेस पे। हाँ, और एक्चुअली एक लड़की पर बेस, क्योंकि जो लड़कियाँ आती हैं तो उनको किस तरह गुमराह करते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, किस तरह अपने जंगल में फंसा के, ट्रैप में फंसा के, बड़े बड़ी वादे करके बाद में लड़की सुसाइड वाइड कर लेती है। एक्चुअली लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी मतलब होता है ऐसा। तो एक्चुअली ये मनी की इंपॉर्टेंस दिखाते दिखाते किस तरह मिसबिहेव करके प्रोड्यूसर ट्रैप में लेके इस तरह फॉलोअप करने की कोशिश की है। यस, और कुछ चल रहा है आप लोगों का? यस, एक्चुअली आई जस्ट कंप्लीटेड माय वूट सीरीज, मैंने वूट की सीरीज कंप्लीट की, उसमें रवि दुबे हैं और उनका मैं प्रॉपरली एडिशन प्ले कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोग सबसे पहले आप नमस्ते, मेरा नाम शिल्पी चुग है और मैं मॉडल एंड एक्ट्रेस हूँ। चुग चुग, किस तरह कैरेक्टर है? सिर्फ मनी, बड़ा यूनिक नाम लग रहा है, तो आपका किस तरह का कैरेक्टर है इस फिल्म में? मुझे इस कैरेक्टर, इस फिल्म में एक नेगेटिव कैरेक्टर का रोल दिया गया है और मैं उसे, आई होप जब आप मूवी देखेंगे तो अच्छा निभा पाई हूँ। आपको कैसा लगा उस कैरेक्टर को अपने आप देखते हुए, आपने पूरी उसमें? मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट करके और मैंने अपने जो नेगेटिव रोल है उसको उतारने की काफ़ी कोशिश की है और अभी हमने इसका प्रीव्यू देखा तो उसमें सारे लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं और सबने बहुत अच्छा काम किया। डायरेक्टर प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो किस तरह का सहयोग मिला आपको? हमारे जो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर सर हैं वो लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और उन्होंने सबके साथ कॉपरेशन से इस मूवी को, इस प्रोजेक्ट को एक बहुत अच्छा एक शेप दिया है। तो जब भी इसका रिलीज़ होगा आप लोग ज़रूर इसे पसंद करेंगे और इसकी जो स्टोरी है वो एक बहुत यूनिक है, रियलिटी है। और क्या क्या चल रहा है आपको? अभी मेरे हाल ही में कुछ वीडियो एल्बम्स होने वाले हैं एंड टू वेब सीरीज़ का डन हुआ है एंड एक मूवी का, तो जल्दी आप मुझे बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे। ऐसा क्या खास है इस फिल्म में जो ऑडियंस इसको कनेक्ट करेगी? कुछ खास तो ये है कि हम इस मूवी में एक रियलिटी दिखा रहे हैं कि अगर कोई मुंबई कुछ सपने लेके आता है तो उसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। हालांकि मुंबई जो हमारी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी है, बट अच्छाई के साथ साथ हर जगह थोड़ी सी बुराइयाँ भी होती हैं, तो हमने उस बुराइयों को कैप्चर करने की कोशिश की है, ना कि किसी भी, किसी को भी आत्मसम्मान पहुंचाने का, आत्मघात पहुंचाने का प्रयास किया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है बॉलीवुड में जिस तरह की स्टोरी से कुछ मैच कर? कुछ कुछ केसेस हुए हैं हमारे साथ भी, बट कुछ कुछ केसेस हुए हैं हमारे साथ भी, बट मे बी मुझे थोड़ा सा पहले से ही अंदाज़ा था चीज़ों का तो मैं उसको अपने आप को सेव कर पाई, बट जो बिल्कुल आते हैं अपने घर से सब कुछ छोड़ के और जिनको कुछ पता नहीं होता तो वो इस सिचुएशन में घिर जाते हैं कभी कभी। और कुछ कहना चाहेंगे या? मैं ये कहना चाहूँगी इस मूवी के माध्यम से आप लोग जो भी अपने सपने लेकर आते हैं मुंबई तो अपने अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए और अच्छे लोगों के साथ जुड़िए। यहाँ बहुत काम है करने को, बस आपको अच्छे लोगों की पहचान होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। इस फिल्म को देखने के बाद में जो न्यू लोग आते हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा जी इस फिल्म को ज़रूर, जो भी नए लड़के लड़कियाँ आते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा ही एक इंस्पायर होंगे इसको देख के और जागरूकता सबसे पहले फैलेगी कि हाँ ये होने की भी पॉसिबिलिटीज़ है। थैंक यू। पहले आपका इंट्रोडक्शन और क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, सिर्फ किस तरह के? ठीक है, ओके। हाय, माय नेम इज तुफैल खान रेगु एंड आई हैव प्लेड अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल इन दिस फिल्म सिर्फ मनी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड रिस्पांस फ्रॉम द फिल्म फ्रैटर्निटी। इस फिल्म में मैं सोशल मीडिया कंसल्टेंट भी रहा हूँ, आई हैव वर्क्ड एज एन एडी आल्सो, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई हैव वर्क्ड एज एन एक्टर। ये फिल्म के शुरू होने से पहले से मैं जुड़ा हूँ इस फिल्म में, सो इसके साथ काफ़ी इमोशंस है, वाबस्ता है। एंड दिस फिल्म इज बेसिकली यू नो इट साइजेज अप द आइडिया ऑफ यू नो हाउ द जर्नी ऑफ एन आर्टिस्ट शेप्स अप। And it also talks about, you know, a lot of people when they get lured into certain sort of like,
ideas, and then the things don't work in your favor, and it can basically destroy your spirit. That is at the heart of this film. बहुत सारे लोग आते हैं छोटे शहरों से पैन इंडिया से अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए, लेकिन यहाँ पर फिर क्या होता है. इंडस्ट्री बहुत अच्छी जगह है माइंड यू, तभी तो इतनी ज़बरदस्त इंडस्ट्री हमने खड़ी करी है इतने सालों से, और काफ़ी सारे लोग इसमें है जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है. बट देर आर ऑलवेज सम पीपल जिनकी वजह से एक नेगेटिव इफेक्ट भी आता है, और वो कहीं से भी हो सकते हैं. और उनका जो शातिर दिमाग होता है, दे बेसिकली व्हाट दे डू इज दे विल स्टील योर आइडियाज़ एंड देन दे विल सॉर्ट ऑफ लाइक रादर कॉपी पेस्ट दोस आइडियाज़, यू नो, वेरी मेटिक्युलसली ऐसा होता है. और यही बेसिकली एट द हार्ट ऑफ दिस मूवी है कि सिर्फ मनी जो इसका टाइटल है, कि इवेंचुअली पीपल आर डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ मनी, नॉट फॉर द सेक ऑफ स्पिरिट. सो उन लोगों से कैसे बचा जाए, तो आपके लिए ये एक फिल्म एक टेम्पलेट का काम करेगी. मेरी बड़ी उम्मीद है वाबस्ता है इस फिल्म से, और प्रोड्यूसर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट किया है, डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, और बड़ा मज़ा आया शूटिंग के दौरान. और आपको अच्छी लगी हुई फिल्म, इसकी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी, इसका संगीत बड़ा ज़बरदस्त है, फिल्म का म्यूज़िक जो ऑब्वियसली इन इंडिया वी आर वेरी इंक्लाइंड टूअर्ड्स गुड म्यूज़िक, सो इसका जो म्यूज़िक है वो बड़ा ज़बरदस्त है. लोकेशंस बड़ी खूबसूरत है, गोवा में हमने ऑलमोस्ट एक महीना शूट किया, तो काफ़ी कुछ है इस फिल्म में, और इसका कॉन्टेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है. हमें उम्मीद है कि ये फिल्म एक अपना मकाम और अपना एक नाम बनाएगी फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले वक्त में. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सबसे पहले आपका नाम क्या, आपका नाम? मेरा नाम राहुल करण है. किस तरह कैरेक्टर है सिर्फ मनी में आपका, किस तरह है? सिर्फ मनी में मेरा कैरेक्टर जो है एक कोऑर्डिनेटर का कैरेक्टर है, जो वो जो लीड है हीरोइन, उसको मैं अलग अलग प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मिलाता हूँ, तो किस तरह थोड़ा सा कॉमेडी कैरेक्टर है, तो उस टाइप से मेरा रोल है. कितनी उम्मीदें हैं आपको इस फिल्म से? उम्मीद तो बहुत है, अब तो वो पब्लिक पे डिपेंड करेगा. कब तक दर्शकों के बीच में आएगी ये फिल्म? यही कुछ 2-3 महीने में आ जाएगी. सिर्फ मनी ही क्यों रखा गया है इसका नाम, इसके पीछे क्या, इस नाम के आगे इस फिल्म पूरी घूम रही है? सिर्फ मनी का कारण ये है कि मतलब इसमें जो दिखाया गया है कि पैसा इंसान से जो चीज़ कराता है, मतलब हमारे जो फीलिंग्स इमोशंस जो होते हैं, उसके अलावा हम ना चाहते हुए भी पैसों की वजह से कुछ मजबूरन कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए फिल्म का नाम सिर्फ मनी रखा. आज की रिव्यू देख रहे हो, कितना करेक्ट किया आपने अपने कैरेक्टर को देख के, कुछ कमी लगी? मैंने तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन देख के कैसा लगा खुद? देख के तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा डिफरेंट कैरेक्टर है इसमें. अगर मेरी जितनी भी फिल्में हो चुकी है इससे पहले, उसमें मेरे बाल बड़े, लेकिन इसमें बाल और जो लुक दिया है वो बहुत डिफरेंट ही है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत मज़ा आया. कौन कौन सी फिल्में और इससे पहले कर चुके हैं? इससे पहले मैं 3 हिंदी फिल्में कर चुका हूँ और 4 मराठी फिल्में कर चुका हूँ. और बेसिकली हैं कहाँ के आप? मैं प्रॉपर हूँ अकोला, महाराष्ट्र. और इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट आने वाले हैं? हाँ, इसके अलावा मेरे और हिंदी और मराठी फिल्म आने वाले हैं. ऑडियंस से कुछ चलते चलते अपील करेंगे इस फिल्म को लेके कि क्यों आए देखने के लिए, ऐसा क्या है खास इसमें? हाँ ज़रूर, क्योंकि इसमें वो चीज़ दिखाई है जो लाइफ में हर इंसान के मतलब मोड में ज़रूर आती है, कि उसको बहुत स्ट्रगल करना होता है, और स्ट्रगल में जो जो चीज़ें आती है उसका सामना करना पड़ता है, तो इसमें वो सीखने को मिलेगा. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू.